ये आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए जो मैं अभी जिक्र करी थी फिलिप्स कर्व का, बेरोजगारी में परिवर्तन की दर, मुद्रास्फीति की दर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर, ये आपका बनाना है। और ये तीनों वेरिएबल्स हैं और वाई अक्ष हैं, दो वाई एक्सेस हैं, दो वाई अक्ष दो हैं। एक तो मुद्रास्फीति की दर दे रखी है राइट हैंड साइड को आप देखिए, और इधर दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड को मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर, और एक्स एक्सिस पे दे रखा है बेरोजगारी में परिवर्तन की दर। और आप देखिए ये जो फिलिप्स कर्व है, इसको देखने से साफ पता चलता है कि जब मुद्रास्फीति की दर शून्य मानी हुई है, तब उस टाइम पे आठ बेरोजगारी की दर 8 है, 8% है। अगर हमें बेरोजगारी की दर कम करनी है तो हमें मुद्रास्फीति की दर को ऊंचा करना पड़ेगा। जैसी ऊंची होगी तो आप देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कम हो जाएगी बेरोजगारी की दर। इसी तरीके से मौद्रिक मजदूरी में देखिए कि अगर 8 है बेरोजगारी की दर, तो मौद्रिक मजदूरी यानी नकद मजदूरी 2 है, देखो आप। और अगर हमें मौद्रिक ये बेरोजगारी की दर को कम करना है तो 8 से 4 लाना होगा, तो हमें 6 पर मजदूरी की दर यानी कि बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर ज़्यादा है, लागत जीने की, क्योंकि मजदूरी हाई है और इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो ही हम बेरोजगारी की दर को कम कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा देशों को अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला। थैंक यू।